वाराणसी से बजरंग बली तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। ईवीएम मशीन ले जाने की जानकारी पर समाजवादी पार्टी ने काटा जमकर बवाल। जिला प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप, जमकर भी नोकझोंक। जिलाधिकारी ने आरोपों को नकारते हुए कहा, फैलाई जा रही है अफवाह। तो ये कुछ लोग यहाँ पे उसको लेके एक्स्ट्रा सेंसिटाइज हुए और उसको लेकर ये बात सामने आई। फिलहाल अब हम उसको क्लियर कर रहे हैं ताकि जो 70 प्रत्याशी हैं उनकी नज़र में सारी स्थिति स्पष्ट रहे। अब ये मशीनें जो बूथ पे जाती है उनकी अलग लिस्ट होती है, वो सारी लिस्टें जो पहले ईमेल के माध्यम से सबको दी गई थी वो सारी प्रिंट आउट यहाँ मंगा के प्रत्याशियों को दे दी जा रही है और ये जो 20 मशीनें इनके नंबर फिलहाल करा दिए जा रहे हैं। किसी प्रकार से दूर दूर तक ये रिलेटेड नहीं है। ट्रेनिंग की मशीनों के अलग नंबर निकलते हैं, अलग ट्रेनिंग उनकी होती है, वो बिना करा दिया जा रहा है। जो लोग स्ट्रॉन्ग रूम देखना चाहेंगे उन कैंडिडेट्स को स्ट्रॉन्ग रूम भी दिखा दिया जाएगा। कुछ लोग अब अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, किसी दीवार की, कोई बैरिकेडिंग की। कल जब स्ट्रॉन्ग रूम सील हो रहा था इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं थी। आज भी जब यहाँ पे दिन में स्क्रूटनी के टाइम कैंडिडेट आए तो तब भी बात कोई सामने नहीं आई। फंड कुछ लोगों ने बात की है तो कैंडिडेट के सेटिस्फेक्शन के अनुसार इसको स्ट्रॉन्ग रूम भी दोबारा चेक करा दिया जाएगा और सारे ईवीएम को मिलान करा के क्लियर करा दिया जाएगा। किसी प्रकार की पोलिंग ईवीएम से इसका कोई लेना देना नहीं। सर, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए महीनों से आपकी टीम कार्यरत है, निष्पक्ष तरीके से कड़ी मेहनत की जा रही है, ऐसे में पब्लिक के लिए, काशीवासियों के लिए क्या एक संदेश होगा जो अफवाह फैल चुकी है? मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग में ईवीएम का प्रयोग होना बहुत रेगुलर और रूटीन एक्सरसाइज है और जो ये जो ईवीएम होती है जो इलेक्शन में नहीं जाती है इनका रिजर्व गोदाम हमेशा से अलग होता भी है, ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है। और जो स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं वो किसके परीक्षा में है, तो ये कुछ लोग यहाँ पे उसको लेकर एक्स्ट्रा सेंसिटाइज हुए और उसको लेकर ये बात सामने आई। फिलहाल अब हम उसको क्लियर कर रहे हैं ताकि जो 70 प्रत्याशी हैं उनकी नज़र में सारी स्थिति स्पष्ट रहे। अब ये मशीनें जो बूथ पे जाती है उनकी एक अलग लिस्ट होती है, वो सारी लिस्टें जो पहले ईमेल के माध्यम से सबको दी गई थी वो सारी प्रिंट आउट यहाँ मंगा के प्रत्याशियों को दे दी जा रही है और ये जो 20 मशीनें हैं इनके नंबर मिलान करा दिए जा रहे हैं। किसी प्रकार से दूर दूर तक ये रिलेटेड नहीं है। ट्रेनिंग की मशीनों के अलग नंबर निकलते हैं, अलग ट्रेनिंग उनकी होती है, वो मिलान करा दिया जा रहा है। जो लोग स्ट्रॉन्ग रूम देखना चाहेंगे उन कैंडिडेट्स को स्ट्रॉन्ग रूम भी दिखा दिया जाएगा। कुछ लोग अब अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, किसी दीवार की, कोई बैरिकेडिंग की। कल जब स्ट्रॉन्ग रूम सील हो रहा था इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं थी। आज भी जब यहाँ पे दिन में स्क्रूटनी के टाइम कैंडिडेट आए तो तब भी बात कोई सामने नहीं आई। फंड कुछ लोगों ने बात की है तो कैंडिडेट के सेटिस्फेक्शन के अनुसार इसको स्ट्रॉन्ग रूम भी दोबारा चेक करा दिया जाएगा और सारे ईवीएम को मिलान करा के क्लियर करा दिया जाएगा। किसी प्रकार की पोलिंग के ईवीएम से इसका कोई लेना देना नहीं। सर, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए महीनों से आपकी टीम कार्यरत है, निष्पक्ष तरीके से कड़ी मेहनत की जा रही है, ऐसे में पब्लिक के लिए, काशीवासियों के लिए क्या एक संदेश होगा जो अफवाह फैल चुकी है? मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग में ईवीएम का प्रयोग होना बहुत रेगुलर और रूटीन एक्सरसाइज है और जो ये जो ईवीएम होती है जो इलेक्शन में नहीं जाती है इनका रिजर्व गोदाम हमेशा से अलग होता भी है, ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है। और जो स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं वो किसके परीक्षा में, जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी में, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये ओल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारी गण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है पूरा का पूरा, तो स्ट्रॉन्ग रूम है, ट्रेनिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने शक्ति की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई शक्ति की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है, अब सारे प्रत्याशियों को बुलाए गए हैं और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सबकी लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हुए हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारी की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे तब पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में
डेमो के माध्यम से प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा, ये भी निर्णय ले लिया गया है। किलो का आरोप फसल की गाइडलाइन का वजह से किया गया, अलग तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो ओल्ड ईवीएम के लिए होता है, ओल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए थे। उसको हम पता करेंगे कैसे हुआ है। हमने कहा अगर एक भी कोई गलतियां होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो जो जिम्मेदार है वो जांच कैसे करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या मांग, क्या मांग? हमारी मांग है कि जिलाधिकारी को यहाँ से हटाया जाए, जिलाधिकारी के रहते चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, जिलाधिकारी के रहते चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। जो ईवीएम के रख रखाव की गाइडलाइन है उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। तत्काल चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करके जिलाधिकारी को इस काउंटिंग की प्रक्रिया से विरत करना चाहिए। ठीक, भाई।